महाकाल की नगरी उज्जैन की देश और दुनिया में धार्मिक नगरी के तौर पर पहचान है। उज्जैन में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था, जिसके बाद अब महाकाल लोक की छटा और भी निराली हो गई है। इसके ऊपर मंदिर परिसर को जीरो वेस्ट क्षेत्र में बदलने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके बाद अब मंदिर से निकलने वाले कचरे को हाईटेक तरीके से रिसाइकल किया जाएगा और इससे बनने वाली खाद से महाकाल लोक का बगीचा हरा भरा किया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में जो भगवान महाकालेश्वर को चढ़ने वाला प्रतिदिन जो भी पुष्प वगैरह चढ़ते हैं उसको मतलब जीरो वेस्ट के तहत उसका उपयोग किया जाएगा और उससे जो पुष्प निकलने वाले हैं उससे फूल बत्ती वगैरह और अगरबत्ती वगैरह बनाई जाएगी। सर, किस तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा और क्या उसका कलेक्शन किया जाएगा? उसको सुखाकर जीरो वेस्ट का कारखाना बनाया जाएगा छोटा सा, और महाकाल मंदिर से जितना भी अन्य प्रकार का जो वेस्ट निकल रहा है, खाद्य वेस्ट वगैरह, पत्ती वगैरह, इससे खाद्य वगैरह भी बनाया जाएगा। कब से शुरू हो रहा है? ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के आसपास की दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मंदिर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को रिसाइकल करने की व्यवस्था की गई है, जिससे कचरे को खाद में बदला जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाकाल मंदिर में हर रोज 4 क्विंटल फूलों का अर्पण होता है। वहीं आने जाने वाले श्रद्धालु भी कचरा छोड़ते हैं और कुल मिलाकर लगभग 5 क्विंटल से ज्यादा कचरा यहां से निकलता है। इस बीच महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यहां की साफ सफाई दुरुस्त रखना एक चुनौती बन गया है। लिहाजा यहां निकलने वाले कचरे को अब रिसाइकल किया जाएगा।